दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल ब्रेन बाइट्स में। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लीन होंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की एक खास बात और है कि इस वीडियो में किसी प्रकार का पेड क्लास, पेड नोट्स नहीं दिया जाएगा। जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी वीडियो दी जाएगी, मुख्य रूप से वो फ्री होंगी, तो बेझिझक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। जब तक हम विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी छात्र के अच्छा नॉलेज, अच्छा गुणवत्ता परक नॉलेज शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके बात करने से पहले हम अपने पहली वीडियो पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमारी जो पहली वीडियो, उसमें हमने विकास के सिद्धांत का भली भांति वर्णन किया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। उसमें जो पहला हमारा है वो ये कहता है कि विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक जिसे बाल मनोविज्ञान, विकास के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होगा, तो वो कभी भी सभी छात्रों से एक प्रकार की आशाएँ नहीं रखेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम मानते हैं एक बालक जो है वो ए है और एक बालक बी है। जो ए बालक है उसका जो मानसिक स्तर है वो निम्न कोटि का है, तो उसमें कभी भी हम ये अपेक्षाएं नहीं करेंगे कि यह एक उच्च कोटि के बालक की समान ज्ञान प्राप्त करे। यदि हम उससे उच्च कोटि वाले बालक के समान ज्ञान प्राप्त करने की आशाएं रखेंगे तो उस बालक में कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाएगी और वो कुंठा का शिकार हो जाएगा। वो सोचेगा कि जितनी अपेक्षाएं सर हमसे कर रहे हैं, उतनी अपेक्षाएं हम नहीं दे पा रहे हैं सर को, तो उसमें एक हीन भावना आ जाएगी। वो शिक्षा के मुख्य धारा से अलग थलग कटा कटा सा रहेगा। वही फ्रेंड्स, जब हम बी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो IQ है, उसका जो मानसिक स्तर है वो उच्च लेवल का है और उससे हम सामान्य बालक की तरह शिक्षा प्राप्त करने की आशाएं करते हैं, तो उसको ये एक भावना आ जाएगी, अहम भावना आ जाएगी कि ओ सर ने तो हमसे जो पढ़ने के लिए कहा है वो मुझे पहले से ऑलरेडी याद है। तो उसमें एक अहंकार का भाव उत्पन्न होगा, जो भी एक नकारात्मक प्रभाव है। तो कभी भी किसी भी बालक के साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि दो बालक क्यों नहीं एक समान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि विकास का सिद्धांत में ये कहा गया है कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया में कभी भी पूरे मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, क्यों हमेशा वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न पाए जाते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा दूसरा, जो दूसरा है वो कहता है कि विकास का जो सिद्धांत है वो पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत सहायक होता है। कभी भी एक अच्छा शिक्षक जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, विकास के सिद्धांत और वृद्धि को वो जानता है, वो कभी भी एक अनुचित पाठ्यक्रम नहीं तैयार करेगा। बालक के मानसिक स्तर के अनुसार ही वो विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्मित करेगा। वो पाठ्यक्रम को निर्मित करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि बालक किसी भी अवस्था में जटिल क्रियाएँ, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करने से पहले वे सामान्य क्रियाएं ही करते हैं, तो उसके अनुसार वो पाठ्यक्रम निर्मित करेगा। जो बालक उच्च कोटि का है उसके लिए इनरिच्ड करिकुलम बनाएगा, जो बालक सामान्य बुद्धि का है उसके लिए सामान्य पाठ्यक्रम बनाएगा, तभी एक बालक का, एक छात्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एकदम एक पहलू में होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स, हम आते हैं तीसरा विकास। जो तीसरा विकास है वो ये कहता है कि विकास के सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का विकास सामान्य रूप से हो रहा है या नहीं।
एक माता पिता एक अध्यापक को यह भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि छात्र का विकास अनुचित दिशा में हो रहा है या उचित दिशा में हो रहा है। यदि अनुचित में हो रहा है तो उसे उपयुक्त माहौल दे, उपयुक्त वातावरण प्रदान करके उसका गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। सबसे पहले एक अध्यापक ही है जो एक छात्र को भली भांति ज्ञान प्राप्त करा सकता है, क्योंकि उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है। वो जानता है कि कब बालक एक्टिव होते हैं, कब बालक इनएक्टिव होते हैं। जब बालक एक्टिव होते हैं तो वो उन्हें वो तुरंत नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। यदि बालक अनएक्टिव है तो उन्हें वो तैयार करेगा कि कैसे बालक शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए वो उचित माहौल तैयार करना जानता है। एक शिक्षक ही है जो बालक को उचित दिशा निर्देश दे सकता है। उसके बाद है फ्रेंड्स चौथा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि विकास किस प्रकार होता है इसका ज्ञान अभिभावक व अध्यापक जानते हैं। वो निर्धारित कर लेते हैं कि विकास किस दिशा में हो रहा है, बालक का अनुचित दिशा में हो रहा है, उचित दिशा में, या उत्तरोत्तर विकास हो रहा है कि नहीं। बालक सबसे पहले जन्म लेता है तो बकैया खींचता है, मान लीजिए देहाती भाषा में। उसके बाद चलना शुरू करता है तो चलने में जब उसको कठिनाई होगी तो माता पिता को यह अज्ञात होना चाहिए कि बालक के लिए सहायक सामग्री दे ताकि वो चल सके, उसके लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार करें। इसी प्रकार फ्रेंड्स जब हम पढ़ाई करते हैं, जब एक छात्र पढ़ाई करता है तो एक माता पिता एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है, उसका परम कर्तव्य है कि उसके लिए उचित माहौल तैयार करें। इसके बाद है फ्रेंड्स हम आते हैं आपका पांचवा पॉइंट। जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि विकास अंतः क्रिया से संबंधित है। जितने भी विकास हैं, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी एक दूसरे से क्या है, को रिलेट है, अंतः संबंधित। कोई एक के बिना डेवलप नहीं कर सकता। जब बालक का शारीरिक विकास होगा तब उसका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और संवेगात्मक विकास होगा। यदि बालक का सामाजिक विकास अनुचित दिशा में हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे ही मान लीजिए उसका मानसिक विकास सही नहीं हुआ तो वो कभी भी समाज के उत्तरदायित्व को, समाज में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। इस प्रकार वो समाज से कटा कटा रहेगा, भिलक थलग रहेगा और उसका सामाजिक विकास नहीं होगा, और इस प्रकार वो कुंठा का शिकार हो जाएगा और उसका संवेगात्मक विकास भी सही नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत, दोनों मिलकर। हमने पहले वीडियो में बताया कि जो एक बालक है जब वो शैशवावस्था में या किसी भी अवस्था में होता है तो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण दोनों मिलकर उसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। मान लीजिए एक बालक ए है और एक बालक बी है। यदि ए बालक का आईक्यू मानसिक स्तर उच्च कोटि का है और उसे जो इन्वायरमेंट दिया गया है वो अच्छा ना मिले तो उसका विकास सही दिशा में नहीं होगा, क्योंकि जो माता पिता से उसे आनुवंशिक गुण मिले हुए हैं वो समय के साथ शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो इनफोल्ड नहीं होंगे, क्योंकि उसे अच्छा माहौल नहीं मिला। उसको आपने एक मलिन बस्ती में या अनचाहे पर्यावरण में भेज दिया था जहाँ उसे अच्छा शिक्षा, अच्छा विद्यालय, अच्छे शिक्षक नहीं मिले हैं, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। उसका सर्वांगीण विकास उसका सही नहीं होगा। इस प्रकार हम कभी भी बालक को विकसित करने के लिए उसे समाज भी अच्छा चाहिए और उसका जेनेटिक गुण भी अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार एक बी है, बी स्टूडेंट है जिसका जो आईक्यू है वो बिल्कुल मंद बुद्धि का है और उसे हमने इन्वायरमेंट हाई क्वालिटी का दिया, फिर भी उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि उसका
जो IQ है वो जड़ बुद्धि का है, उसे हम कितना भी एनरिच्ड करिकुलम, अच्छा माहौल, अच्छे शिक्षक दे दें, लेकिन उसका विकास उचित दिशा में नहीं होगा, उत्तरोत्तर विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि ही जड़ बुद्धि है। कितना भी प्रयास करने पर हम उसे केवल दैनिक क्रियाएं ही सिखा सकते हैं, दैनिक क्रियाएं ही करने के लिए योग्य बना सकते हैं, अदरवाइज उसे हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारे विकास में वातावरण के साथ साथ वंशानुक्रम दोनों प्रभावित होते हैं, और जो इन्वायरमेंट और जेनेटिक होता है वो योग के रूप में न होकर गुणा के रूप में होता है, कभी भी योगात्मक न होकर गुणात्मक होता है, दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार शैक्षिक महत्व को हमने जाना, और इस वीडियो में हमने अपने शैक्षिक महत्व को दर्शाया। इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। जो बच्चे BEd कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, यदि उन्हें अच्छा लगे तो वो भी इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।